हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम आपके लिए देश के आंगनवाड़ी एवं आशा कार्यकर्ता से जुड़ी सभी मुख्य और बड़ी खबरों को लेकर आते हैं। तो अगर आप भी आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता से जुड़ी खबरों को पाना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा लें। तो दोस्तों, बिना देर किए आपको जानकारी दे देते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि देश भर की हर राज्य की हर जिले की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जगह जगह पर अपने मानदेय में वृद्धि को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही है। उनकी वृद्धि के अलावा अन्य मांगे भी है जो सरकार के सामने वो रख रही है और बार बार रख रही है, लेकिन सरकार इस पक्ष में अभी तक निर्णय नहीं ले पाई है। इन सभी का कहना है कि ना ही केंद्र सरकार कुछ फैसला ले पा रही है और ना ही राज्य सरकार कुछ निर्णय ले पा रही है। इनका धरना दिन प्रतिदिन उग्र होता जा रहा और इस धरने को देखते हुए राज्य सरकार ने तो अभी तक कोई फैसला नहीं किया है, लेकिन चूंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, जैसा कि आपको भी पता है, इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने इनके पक्ष में कुछ फैसला लेने पर विचार कर रही है और एक बड़ी कमेटी का गठन किया गया है। अपने आला अधिकारी से कहा गया है कि जल्द से जल्द कमेटी जो है सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट तैयार करके भेजे। आंगनवाड़ी बहनों का सीधा और सरल भाषा में कहना सिर्फ इतना है कि जैसे राज्य के अन्य कर्मचारी जिन्हें 18 से 22 हजार न्यूनतम तनख्वाह मिलती है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित कर दी है, लेकिन आंगनवाड़ी कर्मचारी को इतना कम तनख्वाह क्यों? मात्र 4 से 5 हजार रुपए। आखिर 4 से 5 हजार रुपए में होता क्या है? 4 से 5 हजार रुपए में इनका घर का खर्चा भी नहीं चलता। इनका कहना सिर्फ इतना सा है कि उन्हें राज्य स्तरीय कर्मचारी की तरह दर्जा दे दिया जाए और उनका भी मानदेय कम से कम 18 हजार रुपए कर दिया जाए। इसके अलावा हर राज्य की आंगनवाड़ी कर्मी की और भी कुछ मांगे हैं। हर जिले में अलग अलग मांगे रखी गई है। तो इनका कहना सिर्फ इतना है कि उस तरह की आंगनवाड़ी कर्मचारी जो काफी समय से आंगनवाड़ी में कार्यरत है और अपने घर परिवार को छोड़कर बहुमूल्य समय दे रही है और बहुत ही निष्ठा के साथ अपना कार्य कर रही है, लेकिन अब उनका रिटायर होने का समय आ चुका है तो वो सेवानिवृत्ति के बाद अपना जीवन यापन कैसे करेगी? उनके लिए कुछ पेंशन की योजनाएं भी सरकार को लानी चाहिए, जो कि उनकी बाजी मांगे हैं। चूंकि दोस्तों, आशा कर्मी और आंगनवाड़ी कर्मचारी इतनी लग्न से अपनी ड्यूटी निभाती है, सेवानिवृत्ति के बाद उनके लिए पेंशन की व्यवस्था तो होनी ही चाहिए। उन्हें भी राज्य स्तरीय कर्मचारी का दर्जा देना चाहिए और 18 हजार मानदेय तो देना ही चाहिए। इन्हीं बातों पर गंभीरता से विचार करने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ी कमेटी का गठन कर दिया है। इनका कहना है कि जल्द से जल्द रिपोर्ट इसकी तैयार की जाए और उन तक पहुंचाई जाए और इन सभी चीज़ों के लिए 2024 लोकसभा चुनाव से पहले तक एक डेट फिक्स कर दी गई है और ये डेडलाइन है, ताकि जल्द से जल्द केंद्र सरकार उनके पक्ष में कुछ फैसला ले पाए और उनका मानदेय में वृद्धि कर पाए। दोस्तों, मानदेय में वृद्धि तो तय है, लेकिन एक्चुअल में कितनी वृद्धि होगी इसका फैसला कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही तय किया जाएगा। इसके अलावा ये बात तो सबको पता होगा कि देश की यूपी सरकार ने आंगनवाड़ी कर्मी के प्रमोशन का एक लिस्ट जारी कर दिया है। हालांकि ये लिस्ट आखिरी लिस्ट नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है कि लिस्ट में संख्या ज्यादा है और आंगनवाड़ी कर्मी सीधे सुपरवाइजर नहीं रखी जा सकती है। हालांकि इसको लेकर कोई ना कोई प्रक्रिया जरूर लाई जाएगी और ऐसा लग रहा है कि इसकी लिखित परीक्षा भी ली जा सकती है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इसको लेकर सुपरवाइजर बनाने को लेकर डिग्रियां देख सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, ताकि आपको आंगनवाड़ी कर्मी के वेतन मानदेय वृद्धि संबंधित हर एक महत्वपूर्ण खबर मिलती रहे।